यहाँ बनाएंगे हम छोटी सी लीफ, यहाँ टच करेंगे इस तरह से, हल्के हल्के हाथ से देंगे लेयर। इसको हम बोलते हैं स्वास्तिक का डिज़ाइन। और गाइस यहाँ पर भी आप हल्की सी लीफ बना दें ताकि जगह कवर हो जाए, ठीक है। हम इस तरह से एक राउंड सर्कल का डिज़ाइन देंगे लाइक दिस वन। इसके ऊपर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन। अब इसको हम करेंगे अच्छे से बोल्ड। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मेहंदी डिजाइनर, और का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपनी इस स्पेशल क्लास में। गाइस आज की ट्रेनिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के डिजाइन में बहुत ही ज्यादा मसाला है। जी हाँ गाइस, आज का पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूनिक है। तो विदाउट स्किप किए पूरी ट्रेनिंग में बने रहे, यकीनन आपको जरूर मजा आने वाला है। सो गाइस पैटर्न हमारा एकदम क्लीन है। यहाँ हम टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम से आउटलाइन देंगे। और आउटलाइन जो हम बना रहे हैं थोड़ी सी हमने तिरछी आउटलाइन बनाई है, क्योंकि पैटर्न भी हमारा कुछ ऐसा ही होने वाला है, मॉडर्न डिज़ाइन। यहाँ हम आउटलाइन देंगे इस तरह, अगेन वन आउटलाइन दे रहे हैं लाइक इस तरह से, ठीक है। अगर लाइन टूटती है तो जहाँ से आपने लाइन को स्टार्ट किया है वहीं से आप अगेन आउटलाइन रिपीट करें इस तरह, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट लाइन है, जैसे हमेशा करते हैं, इस लाइन को हम करेंगे बोल्ड कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहां बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिजाइन, ठीक है। टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम आराम से स्मॉल सर्कल देंगे। फटाफट से यहां पर हम दो बार स्मॉल सर्कल देते हैं इस प्रकार से। दो बार आउटलाइन बनाने के बाद यहां बनाएंगे इस तरह से आउटलाइन का डिजाइन, ठीक है। और यहां हम देंगे अगेन वन आउटलाइन, देन वन अगेन आउटलाइन, इधर भी हम आउटलाइन देंगे कुछ इस तरह। कोन को आप क्लीन करते रहें, अगेन आउटलाइन दी तो ये बन गया लोटस का डिज़ाइन, ठीक है। एक बार हम और आउटलाइन देके इसे कवर अप करेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह से आउटलाइन, और ये हमने बनाया अपना एलिमेंट, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इधर हम एलिमेंट का फेस रखेंगे लोटस के तरफ कुछ इस तरह। यहाँ बनाएंगे हम छोटी सी लीफ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये बनाने के बाद यहाँ पर हम टच करेंगे इसको, बोल्ड करेंगे मधुबनी से, आउटलाइन देंगे कुछ इस प्रकार से, आराम से थोड़ा बोल्ड आउटलाइन दीजिए क्योंकि मधुबनी का डिज़ाइन है, ठीक है। और जब आप इसको पूरा अच्छे समझ जाएंगे तो जब लगाएंगे इस किसी के हाथ पे तो उसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट आएगा, ठीक है। इस तरह से आराम से इसको फिलअप कीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम आउटलाइन दे रहे इस तरह से, बोल्ड करेंगे। बाहर की नॉइस आए तो उसको इग्नोर करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे ये। अब यहाँ पर हम बनाएंगे इस प्रकार से आउटलाइंस, ठीक है। इधर भी वन आउटलाइन ऊपर की तरफ हल्के यहाँ से लेयर देंगे कुछ इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, इस प्रकार के बनाएंगे ड्रॉप्स, ठीक है। इसको बहुत ही आराम से बनाएं, टच करें, पुश करें, हल्के हल्के हाथ से ड्रॉप बनाएं। गाइस लास्ट ट्रेनिंग में मैंने पूछा था कि कौन मेरी ट्रेनिंग कहाँ से अटेंड करता है, आप कौन से देश से हैं, भारत से हैं, भारत से बाहर के हैं, या फिर आपका राज्य क्या है, जहाँ से आप हैं, किस सिटी से हैं। तो आप लोगों ने अपने अपने रिप्लाई दिए, और उसमें सबसे अच्छा मुझे रिप्लाई लगा एक, उसमें स्टूडेंट थी हमारी जो बहुत टाइम से हमारी ट्रेनिंग को अटेंड कर रही थी,
उन्होंने लिखा कि सर मैं आपकी ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ और बहुत कुछ सीखा है, और वो इतना अच्छा सीख गए हैं कि आज उनके पास मेरी ट्रेनिंग के माध्यम से एक स्टूडेंट भी हैं और उनको वो ट्रेन कर रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई उस कमेंट को पढ़ के, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब मेरा दिल खुश हो गया कि जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो वाकई में आपके काम आ रही है। ठीक है, तो गाइस अगर आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। इस प्रकार से आप टच करें, पुश करें, आराम आराम से लेयर बनाएं, ड्रॉप बनाएं, ठीक है, कुछ इस तरह। तो उसको हम फटाफट से कवरअप कर लेते हैं। ओपनिंग बनाने के बाद यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से हम बनाएंगे लेयर्स के डिज़ाइन कुछ इस तरह। एक टेक लेयर को फाइन तरीके से दें, फिनिशिंग से बनाएं, यहाँ पर शेड नहीं देना है। ठीक है, सिंपली क्या, जैसे हमने यहाँ डिज़ाइन दिया है, ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाएंगे इस प्रकार से आउटलाइन कुछ इस प्रकार। ठीक है, आज हम पैटर्न का लुक जो है वो चेंज करने वाले हैं अगेन इस तरह से। अब इन दोनों लाइन को हम जॉइंट करके कर देंगे बोल्ड, ठीक है, कुछ इस तरह। इसके ऊपर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर लाइक दिस वन। अब इन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे तो आप वो समझिए, यहाँ पर हम बनाएंगे फटाफट से स्मॉल सर्कल, ठीक है, कुछ इस तरह। अब इधर भी हम स्मॉल सर्कल देके कवर अप कर देते हैं लाइक दिस वन, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है ट्रेडिशनल पैटर्न है तो ये पूरा भरने वाला है और इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं आउटलाइन दूंगा इस प्रकार से, ठीक है। जिनको भरा हुआ हाथ लगाना सीखना है, ये डिज़ाइन, ये क्लास स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आउटलाइन देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको हम कवर अप कर देंगे इस तरह आउटलाइन देके, ठीक है, इधर भी। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे ध्यान से समझिए, यहाँ टच करेंगे इस तरह से हल्के हल्के हाथ से देंगे लेयर, इसको हम बोलते हैं स्वास्तिक का डिज़ाइन। और गाइस इस डिज़ाइन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे मल्टी डिज़ाइंस का यूज़ करूँगा जो कि मैंने आपको अभी तक सिखाया है, ठीक है। यहाँ आउटलाइन दीजिए इस तरह, क्लियर हो गया। आराम आराम से बनाएं, जल्दबाजी ना करें, और जैसे मान लीजिए जहाँ जगह कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिज़ाइन देना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाएं, ठीक है। और गाइस ध्यान रहे, हर एलिमेंट पे आपको अपना डिज़ाइन, अपना कोन क्लीन करना है, ठीक है। डिज़ाइन फिनिशिंग से बनना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ और यहाँ जगह कम है तो यहाँ क्या देंगे, यहाँ पर हम इस प्रकार से कुछ इस तरह से बनाएंगे लाइक इसका हल्का सा इसका लगे लुक, ठीक है। पूरा तो नहीं आ पाएगा बट हाँ कुछ मैच करना चाहिए, ठीक है। अब हम इनको आपस में जॉइंट करेंगे आराम आराम से इस प्रकार से, ठीक है, आराम से बनाएं। और गाइस जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेनिंग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें जिनको वाकई मेहंदी में इंटरेस्ट है, जो चाहते हैं एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना, क्योंकि ये फ्री की ट्रेनिंग है, आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है। अगर आपसे ले रहे हैं तो आपका समय ले रहे हैं, जब आप समय लगा के सीखोगे तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, ठीक है। एक गुरु होने के नाते हर गुरु की एक दक्षिणा होती है, गाइस दक्षिणा मेरी इतनी है कि आप इसको आगे बस शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स जरूर लिखें, ठीक है। ये बनाने के बाद अब हम देंगे इसके ऊपर स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से।
आराम आराम से आप बनाइए स्मॉल सर्कल, जल्दबाजी ना करें। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट बनाऊंगा क्योंकि पैटर्न बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गया। अब यहाँ हम क्या देंगे, अब वो समझिए, यहाँ हम टच करेंगे, पुश करेंगे, इस प्रकार से देंगे आउटलाइन कुछ इस प्रकार। ठीक है, और गाइस ये जो डिज़ाइन है ये बॉक्स वाला डिज़ाइन नहीं है, ये पूरा फुल हैंड है। ठीक है, और इसका जो लुक है वो भी अलग है। जनरली क्या होता है, हमारे जो बॉक्सेस वाले पैटर्न आते हैं वो नहीं है, ये डिफरेंट डिज़ाइन है। ठीक है, इसको हम यहाँ कर देंगे बोल्ड, इन दोनों आउटलाइंस को, कोन को अच्छे से क्लीन कर लें ताकि आपकी कोन अटके ना बार बार। टच करें, पुश करें, आराम आराम से इसको बनाएं। ठीक है, क्योंकि जितनी बढ़िया फिनिशिंग होगी उतना अच्छा आपका डिज़ाइन का लुक आएगा। ठीक है, यहाँ हम बनाएंगे मधुबनी का डिज़ाइन। ठीक है, मधुबनी कुछ इस तरह से रहेगी। जब मधुबनी बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा आप खुल के बनाइए ताकि आपकी मधुबनी जो है वो खिल के आए। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर है। आराम आराम से आप डिज़ाइन बनाएं, और ये जो एलिमेंट है मधुबनी का ये बहुत ही अच्छा एलिमेंट है, इसको अगर आप सीख लेंगे तो आपके ये बहुत काम आएगा ब्राइडल में, नॉन ब्राइडल में। ठीक है, इस तरह से इधर भी हम इसी प्रकार से लीप का डिज़ाइन देंगे कुछ इस तरह। यहाँ बना रहे हैं राउंड सर्कल, इसके ऊपर ये एलिमेंट बॉक्सेस बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जगह अवेलेबल है तो यहाँ पर हम बनाएंगे अगेन राउंड सर्कल मधुबनी वाला। ठीक है, और यहाँ पर जगह थोड़ी सी है तो यहाँ पर हम देंगे इस प्रकार से लीप का डिज़ाइन। क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनको हम कर देंगे बोल्ड, बट बोल्ड से पहले गाइस यहाँ थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर भी आप हल्की सी लीप बना दें ताकि जगह कवर हो जाए। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, जहाँ पर आपको जैसी जगह मिले उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन डालना है। ठीक है, अगर मधुबनी में आपने सिर्फ राउंड सर्कल और लीप का यूज किया है तो आप उसी को रिपीट करें। ठीक है, आराम से इसको बनाएं, आउटलाइन का जो स्ट्रक्चर है पहले आप उसको अच्छे से कवरअप कर लें। और गाइस यकीन मानिए, इस ट्रेंडिंग को जो अटेंड करेंगे बहुत बारीकी से, और जब किसी के लगाएंगे तो उनके चेहरे पे ना एक अलग ही लेवल की स्माइल होगी जो आपके कस्टमर होंगे, और आपको पता क्या बोलेंगे, वाव, मतलब इट्स अमेजिंग। तो आप इसको फिनिशिंग से बनाएं ताकि उनके चेहरे पे वो वाला भाव आ सके, वाव वाला। ठीक है, इस तरह से आउटलाइन को कवरअप करें, फिर इसको आप बोल्ड कर दें लाइक दिस वन। ठीक है, इस प्रकार क्लियर हो गया। आराम आराम से आपको एक एक डिज़ाइन, एक एक एलिमेंट को फिलअप करना है कुछ इस तरह। गाइस अब इसके अंदर हम बनाएंगे छोटा सा डॉट, ठीक है, जहाँ जगह मिल रही है, अच्छा लग रहा है गाइस। अब हम बनाएंगे इसके ऊपर स्मॉल सर्कल, इस तरह से आराम आराम से बनाएं स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन। तो इसको मैं फटाफट से कवर कर लेता हूँ। गाइस ओपनिंग बनाने के बाद मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि यार ये ना अगर मैं पूरा इसको ट्रेडिशनल दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा, हो सकता है कि जिन लोगों को आता है दो चार लोग ही बना पाएंगे, जनरली सारे लोग इसको नहीं बना पाएंगे, टफ हो जाएगा। तो इसको मैं मॉडर्न डिज़ाइन में कन्वर्ट करने वाला हूँ, वो कैसे करूँगा ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम जो इधर वाला पार्ट है इसको हम कवर करते हैं। यहाँ हम बनाएंगे इस प्रकार से राउंड सर्कल, फिर यहाँ ड्रॉप बनाया छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, ये बनाने के बाद यहाँ बनाएंगे एक लीप का डिज़ाइन कुछ इस तरह। ठीक है, और
इसमें हम बनाएंगे लेयर्स, अच्छे से बनाएं लेयर, एक एक लेयर्स को फिनिशिंग से देना है। और गाइस देखिए, जितना सुंदर ये ट्रेडिशनल लगता उतना ही सुंदर ये मॉडर्न लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्रेडिशनल डिज़ाइन दूँ तो आप लोग कमेंट करें। जब मेरे पास ट्रेडिशनल के लिए कम से कम 100 कमेंट आएंगे कि सर आप ट्रेडिशनल डिज़ाइन बनाएं, उस पर क्लास लेके आएं, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आऊँगा, जो क्लास कम से कम रहेगी 40 से 45 मिनट की, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। और एक एक डिज़ाइन को मैं बहुत ही बारीकी से गाइड करूँगा, ठीक है। बट ये मॉडर्न डिज़ाइन है जो कि बहुत ही सुंदर बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से आउटलाइन का स्ट्रक्चर दें, कुछ इस तरह। ये बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह से राउंड सर्कल का डिज़ाइन। नीचे हम अच्छे से लाइंस कवर कर देंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे दो बार स्मॉल सर्कल, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ हम टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम आराम से इनको फ्लावर से हम कवर अप करेंगे इस तरह, ठीक है। और इसका जो लुक है, इसका जो कलर है, वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट और बहुत ज़्यादा डार्क आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आउटलाइन देंगे इस प्रकार। अब यहाँ पर अगेन हम इस तरह से एक राउंड सर्कल का डिज़ाइन देंगे, लाइक दिस वन। इसके ऊपर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन, कुछ इस तरह, ठीक है। अब इसको हम करेंगे अच्छे से बोल्ड, ठीक है, ड्रॉप बना के। जब हम ड्रॉप बना रहे हों तो हमारा एक एक ड्रॉप बहुत ही फिनिशिंग से आना चाहिए। जिन लोगों को बनाना आ गया है ये डिज़ाइन, वो लोग कमेंट करें, जिनको बनाना अभी तक नहीं आया है वो लोग भी कमेंट करें, ताकि जिनको बनाना नहीं आया है उनके लिए मैं किसी क्लास में बहुत शॉर्टकट तरीका लेके आऊँगा, ताकि आप इससे भी आसानी से बना सकें, ठीक है। इस तरह से इसको हम करेंगे बोल्ड, आराम आराम से। जितनी बढ़िया से इसको बनाएंगे उतना इसका जो लुक है वो खिल के आएगा, देख रहे हैं खिल के आ रहा है। इसको हम आउटलाइन देके कवर करते हैं, कुछ इस तरह से, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर देंगे अपना न्यू डिज़ाइन, वो क्या रहेगा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इधर भी मैं एक राउंड सर्कल का डिज़ाइन दूंगा, थोड़ा सा बड़ा। और इसको आप ध्यान से देखिए, ये छोटा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा बनाया, और फिर इसको मैंने और भी ज़्यादा बड़ा बनाया, ठीक है। यहाँ पर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन, ठीक है। इसको मैं टच करूँगा, पुश करूँगा, आराम आराम से ये ड्रॉप बनाऊँगा, चार ड्रॉप कम से कम रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आउटलाइन को कवर अप करें आप, अगेन देन अगेन देन अगेन, ठीक है। टच करें, पुश करें, नीचे की तरफ हल्के हाथ से लेयर देनी है। देखिए जब आप ये बनाते हैं तो ये लाइन पतली होनी चाहिए, बीच की लाइन मोटी होनी चाहिए, फिर जब छोड़ते हैं हल्के हाथ से इसको आप छोड़िए, कुछ इस तरह, ठीक है। अब हम यहाँ पर आउटलाइन दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। एक एक एलिमेंट, एक एक डिज़ाइन, एक एक आउटलाइन एकदम फिनिशिंग होनी चाहिए। यहाँ हम डॉट देके इसे कवर अप कर देते हैं, लाइक दिस वन। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या डिज़ाइन दें जिससे इसका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, इस तरह से यहाँ हम देंगे लीफ का डिज़ाइन। लीफ के डिज़ाइन के बाद यहाँ बनाएंगे लेयर, पहली बड़ी लेयर, फिर छोटी लेयर उससे, फिर उससे भी छोटी लेयर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम बनाएंगे इस प्रकार से ड्रॉप का डिज़ाइन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। पहला छोटा ड्रॉप दिया है, फिर बड़ा दिया है, फिर उससे भी बड़ा दिया है। अब यहाँ पर आउटलाइन देंगे,
यहाँ पर छोटे से ड्रॉप बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ आपको लगे तो और ड्रॉप बना के इसको आप अच्छे से कवर अप कर दें, ठीक है। यहाँ बनाएंगे आउटलाइन, एक एक आउटलाइन परफेक्ट बननी चाहिए, जितनी बढ़िया आपकी आउटलाइन बनेगी उतना ही अच्छा आपका डिज़ाइन का लुक आएगा। अब आप बोलें कि साहब सामने आप दोबारा से बोल्ड कर दीजिए, नहीं यहाँ बोल्ड नहीं करेंगे, यहाँ बनाएंगे लेयर्स। लेयर मैंने क्यों दिए हैं, इसके बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, जब दोनों तरफ आउटलाइन बोल्ड हो, जब दोनों तरफ कुछ बोल्ड आ रहा हो तो बीच की जो लीफ आती है, अगर कई बार पड़ जाती है बीच में लीफ, तो उसकी आप लेयर बनाएं, बोल्ड ना करें, तभी वो हाईलाइट करेगी। देखिए इन दोनों की वजह से ये हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह से आउटलाइन देंगे, आउटलाइन देने के बाद यहाँ हम लेयर देंगे इस प्रकार, टच करेंगे, पुश करेंगे नीचे की तरफ, बोल्ड करेंगे, और जो बाकी का जो एलिमेंट एरिया है उधर हम डॉट्स के डिज़ाइन देंगे इस तरह से, ठीक है। एक एक डिज़ाइन हमारा फाइन आना चाहिए। हम बनाएंगे अगेन लीफ का डिज़ाइन कुछ इस तरह, और इसको हम इसी प्रकार से कवर अप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लेयर देंगे, जब हम लेयर का डिज़ाइन बनाएं तो आराम आराम से बनाएं। तो गाइज इसको मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। गाइज लीप बनाने के बाद यहाँ पर हम देंगे इस प्रकार से आउटलाइन की लेयर, पहली बोल्ड लेयर, फिर छोटी लेयर, फिर छोटी लेयर, एंड अगेन छोटी लेयर। अब यहाँ पर टच करेंगे, पुश करेंगे, आउटलाइन देंगे इस तरह से, ठीक है। इधर भी हमने टच किया, पुश किया ऊपर की तरफ, थोड़ी बोल्ड आउटलाइन देके इसको हम करेंगे आपस में जॉइंट कुछ इस तरह, ठीक है। गाइस सच बता रहा हूँ, अगर आपने किसी के लगा दिया ना किसी के हाथ पे, आपका क्लाइंट खुश हो जाएगा, मतलब कहेगा मज़ा आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन, ठीक है। और गाइस आप लोग मेरी ट्रेनिंग को कितने टाइम से अटेंड कर रहे हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं वो लोग अपनी हाजिरी लगाएं, और जो लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं वो लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ अपना कमेंट करें, ठीक है। और आपकी लाइफ में मेरी ट्रेनिंग से कितना चेंजेस आया वो भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि जो नए लोग हैं जब आपका एक्सपीरियंस सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उनको यकीनन बहुत ही अच्छा लगेगा। और गाइस आज बोलो और स्पेशली कमेंट करें जो लोग मेरी ट्रेनिंग को वाकई में शेयर करते हैं और लाइक भी करते हैं, ठीक है। बोलो जरूर कमेंट करें ताकि मुझे मालूम पड़े कौन कौन मेरी ट्रेनिंग को शेयर करता है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको किसी ने ट्रेनिंग शेयर की और उनको ये ट्रेनिंग मिली है, बोलो भी कमेंट करें, ताकि मैं आपका फिल्ट्रेशन कर सकूँ कि किसको किस माध्यम से ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो आउटलाइन है, इधर भी आप स्मॉल सर्कल देके कवर अप कर सकते हैं, वैसे यहाँ नीड नहीं थी, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पर चेक दिया है, ये मधुबनी दिया है, इसको बोल्ड किया है, ठीक है। यहाँ क्या देंगे, क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हम करेंगे क्या वो समझिए, इस तरह से आउटलाइन दें, ठीक है, अगेन आउटलाइन दें, अगेन आउटलाइन दें। जो ये आउटलाइन दिए हैं, यहाँ पर मैं वन आउटलाइन दूंगा इस तरह से, यहाँ पर भी वन आउटलाइन दूंगा इस तरह, एंड इधर भी वन अगेन आउटलाइन, ठीक है, और इधर भी आउटलाइन, इधर भी आउटलाइन, ठीक है। एक एक आउटलाइन को अच्छे से बनाएं। अभी मैंने क्लास दी थी इसमें लाइंस के बारे में, मैंने बहुत ही बारीकी से गाइड किया था, ठीक है। वो ट्रेनिंग इसी ली थी ताकि जब मैं आपके लिए कुछ टफ डिज़ाइंस लेके आऊँ, कुछ टफ पैटर्न लेके आऊँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे कवर अप कुछ इस प्रकार, ठीक है। इधर हम आउटलाइन देंगे लाइक दिस वन, ठीक है। इधर भी आउटलाइन देंगे कुछ इस ही प्रकार से, ठीक है। अच्छा लग रहा है गाइस। अब देखिए यहाँ हम क्या देंगे,
यहाँ हमारे पास दो विकल्प हैं, तो दूसरा विकल्प नहीं करेंगे, हम पहले विकल्प में ही रेडी रहेंगे। पहला विकल्प हमारे पास क्या है, जो कि स्वास्तिक डिज़ाइन, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से जैसे हमने ऊपर बनाया है, तो यहाँ पर भी मैं इसी को कवर अप करता हूँ फटाफट से, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर देख ही चुके हैं। गाइस अब हम यहाँ पर देंगे आउटलाइन कुछ इस प्रकार से, ठीक है। नीचे डॉट्स बने तो हम आराम से बनाएंगे, और इन दोनों लाइंस को हम कर देंगे जॉइंट कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगेन वन आउटलाइन दूंगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये बनाने के बाद यहाँ पर आप बनाइए स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन, वन टाइम स्मॉल सर्कल अगेन रिपीट करूँगा। अब यहाँ पर टच करूँगा, पुश करूँगा, इस प्रकार से दूंगा मॉडर्न आर्म भी कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रॉप, टच किया, पुश किया, ऊपर की तरफ आना है ड्रॉप को और नीचे की तरफ इसको ले जाना है, टच किया, पुश किया, नीचे की तरफ हल्के हाथ से ड्रॉप को लेके जाना है, ठीक है। गाइस अगर बाहर की नॉइज़ फिर भी आपको आ रही है तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है उसको इग्नोर करें, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया गाइस, देखो कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। अब बात करते हैं फिंगर पे हम क्या करेंगे, ठीक है। फिंगर पे हम इस तरह से आउटलाइन देंगे पहले, ठीक है, आराम से आउटलाइन दीजिए, जल्दबाजी ना करें। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन कुछ इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आउटलाइन देके फिंगर को अच्छे से कवर अप कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार, और यहाँ पर इस तरह से मैंने गोल सर्कल दिया है, और इसके ऊपर वन टाइम स्मॉल सर्कल रिपीट किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाऊँगा लेयर, अगेन लेयर, दो लेयर बनाने के बाद मैंने लीफ बनाई है, बीच में लेयर दे दिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर राउंड सर्कल बनाइए, इसके ऊपर बनाइए आप ड्रॉप्स इस तरह से, ठीक है, बॉक्सेस छोटे छोटे मधुबनी का डिज़ाइन। यहाँ जगह बचे तो यहाँ सर्कल बना दो इस तरह से, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से कर दीजिए कवर अप, ठीक है, कुछ इस तरह। गाइस ओवरऑल डिज़ाइन का लुक कैसा लग रहा है, और आपके मन में क्या आ रहा है इस डिज़ाइन को देखने के बाद, जो आपके मन में प्रतिक्रिया आ रही है, अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, या बहुत अच्छी आ रही है, तो जो मन में आ रहा है भाव, किस नाम से इस डिज़ाइन को संबोधित करने वाले हैं आप, तो वो भी आप लिख दीजिए, वाव, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, या बेकार, बकवास, जो भी लिखना है आप लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन कमेंट जरूर करना है डिज़ाइन के लिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। गाइस फिंगर्स पे मैंने ये थंब पे डिज़ाइन दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोल्ड आउटलाइन दिए, दो बार स्मॉल सर्कल दिए, ठीक है। और इस वाली फिंगर पे हम क्या बनाएंगे वो देखिए, उससे पहले हम बात करते हैं, यहाँ तुमने डिज़ाइन चेंज कर दिया, बहुत सिंपल है, राउंड सर्कल दिया, डॉट्स वाले चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, फिर डॉट बना दिया ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ का डिज़ाइन कुछ इस तरह से रहेगा, और इस डिज़ाइन से मिलता उलता रहेगा जो कि अच्छा लगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे इस प्रकार से राउंड सर्कल, राउंड सर्कल देने के बाद यहाँ बनाएंगे इसके ऊपर हम स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ड्रॉप्स कुछ इस तरह, ठीक है। अब फिंगर के अकॉर्डिंग बनाइए, ज़्यादा बड़ा मत बनाएं, ज़्यादा मोटा मत बनाएं, ड्रॉप्स के जो लेयर्स हैं ये थोड़े पतले बनाएं ताकि फिंगर पे अच्छे से आ जाएं, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरह से हार्ट बीट का लुक निकाल दें। राउंड सर्कल देने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे इस प्रकार से ड्रॉप, ऊपर की तरफ हल्के हाथ से लेयर देंगे, अगेन ये बनाइए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ देखिए हम कैसे इसको फिलअप करेंगे,
इस प्रकार से आप आउटलाइन दें, ठीक है। आउटलाइन बनाने के बाद आप बनाइए स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन कुछ इस तरह। इसके ऊपर हम वन टाइम अगेन स्मॉल सर्कल रिपीट करेंगे, फिर हम बनाएंगे बॉक्स। आराम से इसके अंदर बॉक्स बनाइए, ठीक है। इसके ऊपर बनाइए आप स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन, अगेन वन टाइम स्मॉल सर्कल रिपीट कीजिए और इसको आप थोड़ा फिनिशिंग से कवर अप कर लीजिए बोल्ड, ताकि लगे कि थोड़ा सा मधुबनी का लुक आया हुआ है इसमें, ठीक है। ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से बनाएंगे राउंड सर्कल, ठीक है। जो हम राउंड सर्कल बनाएं उसको हमको ढाई बार रिपीट करना है। देखो 1, 2, 2.5, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। इसके ऊपर हम अगेन 1, 2, 2.5, देन अगेन 1, 2, 2.5, ठीक है। देन अगेन 1, 2, 2.5। अच्छा लग रहा है गाइस। अब यहाँ पर हम टच करें, पुश करें, ड्रॉप बनाएं इस तरह से, ऊपर की तरफ हल्के हाथ से लेयर दे दें, ठीक है। और यहाँ पर हम छोटा सा ड्रॉप बना दें, जो फिंगर्स हैं इसको हम इस तरह से कर दें फिल, ठीक है, ताकि जो आप टिप्स भरते हैं तो उसका लुक कुछ इसी तरह से आ जाए, जैसे कि पूरा ओवरऑल डिज़ाइन आपने सजा दिया है, ठीक है। अब देखिए इधर का जो बचा हुआ है, इधर भी आप इसी तरह से बोल्ड कर सकते हैं गाइस। पूरा एक बार आप डिज़ाइन देखो, ओवरऑल इस डिज़ाइन का लुक देखो कितना अल्टीमेट और कितना सुंदर लग रहा है। और गाइस जिन लोगों को लग रहा है कि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा टफ है, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको टफ ना समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा आपके अंदर रिजल्ट आएगा। गाइस ध्यान रखें, मोर डिजाइंस मोर इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होता। सम डिजाइंस मोर प्रैक्टिस कीजिए तो मोर इम्प्रूवमेंट अपने आप आएगा और आप एक डिजाइन से बहुत सारे डिजाइंस बना सकते हैं। आई होप गाइस आज की ट्रेनिंग में आपको यकीनन बहुत ही अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा। गाइस अगर वाकई में अच्छा लगा है तो अपनी राय जरूर लिखें कमेंट्स के माध्यम से। गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नई ट्रेनिंग में, नई क्लास में। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच गाइस।